प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, वेन्यू पर वो पहुंच चुके हैं, अभिवादन उनका किया जा रहा है, अब से कुछ ही देर बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया जाएगा। गौरव, और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री, देखिए, नेवी के ही कैप पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, एक अलग अंदाज यहां पर प्रधानमंत्री का दिखाई दे रहा है। लगभग 10 बजे उनका संबोधन बताया जा रहा है, क्योंकि 13 साल का लंबा वक्त लगा है गौरव देश को ये दिन देखने में। ये जो तस्वीरें है ना नेहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो ऑफिसर्स और सेलर्स तैनात रहेंगे, उनसे प्रधानमंत्री को जो कैप्टन है शिप के, वो उनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज्यादा इन सभी सेलर्स के लिए। 1600 सेलर्स का कंपोनेंट इस समय इस युद्धपोत पर होगा, इस विमान वाहक पोत पर होगा। न केवल ये, बल्कि इसके आसपास चलने वाले जो युद्धपोत होंगे, इसकी सुरक्षा के लिए 7-8 युद्धपोत और पनडुब्बियां इसके साथ चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक टैंकर इसके साथ चलता है ईंधन के लिए, उसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स इसके साथ चलते हैं, एक पनडुब्बी इसके साथ चलती है। तो प्रधानमंत्री अब कप्तान से, कप्तान के बाद सारे नेवल ऑफिसर्स से और सेलर्स से मिल रहे हैं, और अब गार्ड ऑफ ऑनर, जो जिस टोपी का आपने जिक्र किया, ये जो सेलर्स कैप है, ये युद्धपोत पर सभी नाविक एक साथ पहनते हैं, और प्रधानमंत्री भी। ये INS विक्रांत का इंसिग्निया, नया इंसिग्निया, और आज एक नया एंसन भी आएगा, और एडमिरल आनंद जो नया एंसन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी भारतीय नौसेना का नया झंडा आज आएगा। प्रधानमंत्री अब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। जब कोचिन शिपयार्ड पर देश का ये जो नया हमारा एंसन है, ये नेवी का एंसन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको प्रधानमंत्री साहब आज लहराएंगे, इसको भी इनॉग्रेशन करेंगे। और ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर को सुनते हैं सर, ऑनर देने के लिए विशेष इंतजाम, और 100 नौवीर यहां मौजूद हैं, और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर नितेश शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. Just! Hundred men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and leads playing the tunes of Vikrant. तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिश्निंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए। अगर हम परंपरा के तौर पर बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहां पे मौजूद हैं, और ये 100 सेलर्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने को तैयार। प्रधानमंत्री नेवी का बैंड और नेवी का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, जो गार्ड कमांडर है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जो सम्मान गारद है वो आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। ये बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है। रास्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता, और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप ये सभी सेलर्स, अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, तो इस युद्धपोत पर, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर महिलाएं भी हैं, और खासतौर पर जिस तरह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन किया गया है, महिलाओं के लिए एक अलग सेक्शन है, उनकी उनके रहने के लिए, उनके काम करने के लिए, और ये भारत की शक्ति को दर्शाता है कि जब भारत की सुरक्षा की बात होती है, तो चाहे पुरुष हो या महिलाएं, कंधे से कंधा मिलाकर वो ऑपरेशंस में डिप्लॉयड रहते हैं। और जब डिजाइन किया गया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो उस तरह से डिजाइन किया गया कि महिला सेलर्स भी इस पर ऑन बोर्ड रहेंगे, ऑन बोर्ड काम करेंगे, और ये एक बड़ा सपना रहा है भारत का। अगर आप फाइटर पायलट्स की बात करें, तो महिला फाइटर पायलट्स भी है इंडियन एयरफोर्स में, अब महिला सेलर्स भी हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद आगे बढ़ रहे हैं और भारत के लिए एक और बहुत बड़ा दिन आज इसलिए भी है क्योंकि भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिलेगा, आप वो ध्वज जिसमें जॉर्ज क्रॉस हटा दिया जाएगा। स्वदेशीकरण भारतीय नौसेना के झंडे का भी अब से थोड़ी ही देर में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम ये भी है, जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है, अंग्रेजों ने 200 साल हम पर राज किया, उनका जो जॉर्ज क्रॉस नेवी के झंडे में अभी तक था, हालांकि उसमें अशोक चिन्ह भी लगा दिया गया था, सत्यमेव जयते भी लगा दिया था, बीच में एक बार उसे हटाया भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन वो फिर आया जॉर्ज क्रॉस। ये कहा गया कि जब समुद्र में जहाज होता है तो वो लाल रंग का क्रॉस दिखता नहीं है अगर वो झंडा उस झंडे पर ना हो, लेकिन उसे हटा दिया गया। कितना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा विशेष विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आत्मनिर्भर भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, आजाद भारत का सुनहरा सपना आज हमारे सामने साकार हो रहा है। INS विक्रांत के वीर नौसैनिक, भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक वेटरन्स, कोचिन शिपयार्ड के मेहनती वर्कर्स, सभी डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I now request the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard, Shri Madhu Shankunni Nair, to kindly give the welcome address. Good morning and Namaste. In a short while, our Honorable Prime Minister will be commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country, and has been realized thanks to the efforts of the Indian Navy, Cochin Shipyard, DRDO, OEMs, and other stakeholders. This vessel underlines the depth of the shipbuilding capabilities of Cochin Shipyard Limited,